प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहाँ है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुड़ानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहे गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्व जी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिन कुंजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मद्यतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम दिधिजदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88। उतरे बौजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करू धरू चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश।
कोटि कोटि सिजदा करो, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो में बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूं गुरु देव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें तो भजाम। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सोख। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कबीर, राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आग अधीन। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, वो लग गया हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए, फिर लग गया हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में चले गए सुखदेव। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह गए, गुरु सुमरे हो पार। जय इब कह सतगुरु मिले, सब दुख आखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको ना। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बक्सो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक बड़े विकार, तुम दाता दुख बंजना, मेरी करो सुमार। सूरत करो मम साईया,
हम हैं भवदल माही, आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाँ। ए बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूजत और न ठोरे। परमपिता परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी कबीर साहब जी के असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सत्संग उपलब्ध हुआ। परमेश्वर कबीर जी की असीम कृपा से ये चंद पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण के लिए कुछ समय निकाल पाए। मानुष जीवन का मूल उद्देश्य सत्संग में आने से ही पता चलता है। जब तक हम सत्संग श्रवण नहीं करते, हम अपने दैनिक कर्म को जो भी जैसा कर रहा होता है उसी को उत्तम मानते हैं। और जो पुण्यात्माएं परमात्मा की तरफ में पिछले पूर्वजन्म के संस्कारों के प्रभाव से परमात्मा की चाह में इधर उधर भटक रहे हैं, उनको सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। वे जहां भी गए, जिन संतों से मिले, उन संतों को एक परम संत मानकर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकार किया और फिर पूर्ण विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को किया। लेकिन उन संतों के पास सत्संग नहीं था, कोरा कुसंग था। पुण्यात्माओं, जिन भक्तात्माओं को परमेश्वर कबीर जी का यथार्थ ज्ञान गहराई से समझ में आ चुका है, वे भक्तात्माएं दास के इन वचनों को सहर्ष स्वीकार करते हैं और गदगद होते हैं। जो पुण्यात्माएं प्रथम बार आते हैं, एक दो बार आए हैं, उनको ये बताया जाता है कि उन संतों के पास जहां आप पहले जाते थे उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं था, उनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं थी, जिस कारण से आपका भी और उन गुरुओं का भी मानव जीवन व्यर्थ हो रहा था। तो पुण्यात्मा महसूस करते हैं कि क्या किसी के पास भी सत्संग नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। परमेश्वर ने तो यहां तक कहा कि तीन लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी, केवल वो हंसात्माएं, वो पुण्यात्माएं जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार आकर मिले, केवल वही सत्संग से परिचित हुए और उन्होंने ही परमात्मा परमेश्वर जी का साक्षात्कार किया। फिर वो संख्या में बहुत कम थे, जिस कारण से इन अज्ञानी और अनाड़ी संतों ने उन महापुरुषों की अमरवाणी को जन साधारण तक नहीं जाने दिया, जिस कारण से आज तक हम अपने अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद करते रहे, व्यर्थ करते रहे, नष्ट करते रहे। मानुष जीवन का मूल उद्देश्य सत्संग से ही पता चलता है।
और सत्संग के अंदर यथार्थ ज्ञान दिया जाता है। जहां यथार्थ ज्ञान नहीं दिया जाता वो भले ही सत्संग के रूप में भक्त श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, लेकिन वहां सत्संग ना होने से, वहां यथार्थ ज्ञान ना होने से वो सत्संग नहीं होता। अब मनुष्य जीवन, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे। ये मानुष जन्म आप जी का, जिस भी कुल परिवार में है, जिस भी मजहब धर्म में है, ये मनुष्य जीवन है। इस मनुष्य जीवन से हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, और यदि हम परमात्मा प्राप्ति के यथार्थ साधन से परिचित ना हुए, एक दिन ये मनुष्य जीवन हमारा समाप्त होगा। और ये ऐसे होगा कि जैसे पेड़ से पत्ता टूटकर नीचे गिर जाता है तो पुनः उसी स्थान पर उसी तरह स्थापित नहीं होता, फिर वो कहीं पशुओं के पैरों के नीचे कुचला जाता है या गंदे नाले में गिर के वो सड़ता है। ऐसे ही मानुष जन्म आपके हाथ से छूट गया तो पुनः शीघ्र प्राप्त नहीं होगा, फिर ये आप जी की आत्मा ना जाने कितनी गंदी योनियों में भटकेगी, कहीं कुत्ता गधा सुअर बनेगी, वहां नाना प्रकार की यातनाएं आप जी को भोगनी पड़ेगी। और यदि सतगुरु मिल जावे, सत्संग मिल जावे, तो फिर ये आपदाएं आप जी के जीव पर नहीं आएंगी। क्या बताया है, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। कबीर, नरक द्वार में दूत सब करते खिंचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने। कबीर, चार खानी में भरमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओहो, अपने आत्मा, सतगुरु ना मिलने से, एक तो आम संत सतगुरु नहीं होते, सतगुरु वही होते हैं जो सच्चा नाम सतनाम बताते हैं। गुरु सोए सतनाम बतावे, और गुरु कुछ काम न आवे। गुरु सोए सतनाम बतावे, सतगुरु वही है जो सतनाम सच्चे नाम का ज्ञान कराता है, सतनाम देता है, सच्चा नाम देता है। सतनाम, सतनाम ये कोई नाम नहीं है। सतनाम का अर्थ सच्चा नाम, यथार्थ भक्ति विधि। और वो जो सतनाम नहीं देते, सच्चा नाम जो दो अक्षर का होता है जिसमें एक ओम मंत्र होता है, एक गुप्त है, ये दास ही बताएगा उपदेशी को, ये दो मंत्र का सतनाम होता है। और जो गुरु सतनाम नहीं बता पाते और उनको अधिकार नहीं है बताने का, तो वो किसी काम नहीं आएंगे, वो व्यर्थ है। अब क्या बताते हैं कि मानुष जन्म मिला और सतगुरु नहीं मिले, ये नकली गुरु मिल गए, डुप्लीकेट संत, नाम धराम परम धनी और महामंडलेश्वर आचार्य 1008, पता नहीं के फीस लगावे, सरस्वती फलाना, अरे उनको क्या कहेगा पता नहीं। तो ऐसे नकली संतों ऋषियों के
अज्ञान से पुण्यात्मा अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। अप्रसन्न रह के सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। पुण्यात्माओं, सतगुरु का बहुत महत्व है। गुरु, वैसे तो गुरु शब्द ही पर्याप्त है, लेकिन ये नकली गुरु हो जाने से सतगुरु कहना आवश्यक हो गया। सतगुरु का अर्थ होता है जो सच्चा ज्ञान दे, सच्चा मार्गदर्शन करे, उसको सतगुरु कहते हैं। ये झूठे गुरु ज्यादा होने से सतगुरु का शब्द का प्रयोग करना पड़ा। ऐसे झूठे नाम बहुत लोग देते हैं, इसलिए सतनाम का सतनाम कहना पड़ा, सतनाम हो सच्चा नाम। तो इन जैसे गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण और ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा एक ओम नाम है, एक अक्षर ओम है, और जो मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है जो इसको अंतिम श्वास तक ये प्रयाति तजंदेहम शरीर छोड़ते समय तक जो इस ओम नाम का जाप करता है, सयाति परमाम गतिम, वो इस ओम नाम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावृत्ति में हैं। पुनरावर्ती का अर्थ होता है कि उनमें गए हुए प्राणी भी, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी, साधक भी पुनः लौटकर संसार में आते हैं, यानी उनके भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। पुण्यात्माओं, वर्तमान में हम इतने भ्रमित हो गए कि जब तक हम प्रमाणों को प्रत्यक्ष नहीं देख लेंगे हम मान नहीं पाएंगे। ये देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद उन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये है जयदयाल गोविंद का, ये इनके हाथ से लिखा हुआ इसके बारे में जानकारी है। गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 दिखाते हैं आपको। अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 13, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम यह एक अक्षर है, बस ओम। ये ओम ऐसे भी लिखा जाता है, इसके ऊपर एक बिंदु लगा दे ऊपर, ओ के उपसाथ में ओम, इसको भी ओम बोलते हैं, तो इसलिए इसको एक अक्षर बोलते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का यह ओम एक अक्षर है, उच्चारण करते हुए स्मरण करने का। और यह प्रयाति तजंदेहम, उच्चारण करता हुआ, जिसका उच्चारण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता है, इसका स्मरण करता हुआ, सयाति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। ठीक है, अब इन्होंने इसका अनुवाद ये किया है, यहां से शुरू किया है, ओम
ये माने जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ओम नाम से मिलने वाली परम गति क्या है ये देखिएगा, ये यहीं पर आठवां अध्याय 16वां मंत्र है। ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, यह देखना। पुनरावृत्ति का अर्थ है जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे, ये पुनरावृत्ति यानी वहां ब्रह्म लोक तक भी जाकर के वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होता है। यहां इन्होंने इसका अनुवाद गलत किया है, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है, व्याख्या ठीक है। अब ये ब्रह्म बोल रहा है गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके, इसका अर्थ है ब्रह्म भोनाथ लोका पुनर्वर्तिना अर्जुन माम उपेत्तु मुझे प्राप्त होकर, ये इसका अर्थ है परंतु मुझे प्राप्त होकर तो कौनते पुनर्जन्म होते हैं, पुनर्जन्म होता है न विद्यते, जो ये नहीं जानते, विद्य माने जानना भी होता है, जो इस बात से परिचित नहीं है तो वो मुझे प्राप्त होकर भी मेरा जो ओम नाम है इसका जाप करते हुए मुझको प्राप्त होकर, तो ये इन्होंने अनुवाद गलत किया है। यदि यहां ये कहता कि मुझे प्राप्त होकर, परंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के ये देखिएगा, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 तक ये गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए। अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 यहां से ये यहां है, हे प्रंतम अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सीधे गीता ज्ञान दाता के भी जन्म और मृत्यु होते हैं, तो ये कहना कि मेरे को प्राप्त होकर जन्म मृत्यु नहीं होता तो वो अनुवाद गलत है, व्याख्या ठीक है। अब चौथे का 9वें में क्या लिखा है, हे अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इसका सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता के जन्म तो होते हैं लेकिन वो दिव्य हैं, वो दास बताएगा बाद में समय आने पर। अब हम इतना ही लेंगे। अब गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, ये ना सोच कि हम अभी हैं, पहले नहीं थे। अध्याय नंबर 2 और ये श्लोक मंत्र नंबर 12 न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इति सिद्धम के गीता ज्ञान दाता का जन्म मृत्यु होता है। और यहां देखो 17वें श्लोक में दूसरे अध्याय के अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 17 गीता ज्ञान दाता कहता है नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दर्श वर्ग व्याप्त है और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। यहां ये अर्थ गलत किया है, इसे सीधे गीता ज्ञानदाता स्वयं भी नाशवान है। यह देखिए गीता ज्ञान नंबर 8 के अब श्लोक नंबर 16 को पुनः पढ़ेंगे जब बात समझ पाओगे। हे अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत यानी ओम नाम का जाप प्राप्त करके जो ब्रह्म लोक में जाते हैं, ब्रह्म लोक पर्यंत
सब लोक ब्रह्मलोक तक सभी लोक पुनरावर्ती में है, जिन वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होता है, 84 लाख योनियों में भटकते हैं। और ये कहना कि परंतु मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है, ये व्याख्या ठीक है। तो मन परंतु माम उपेत, मुझे प्राप्त होकर भी कुंती पुत्र पुनर्जन्म होता है, क्योंकि न विद्यते, जो नहीं जानते, विद्य माने जानना भी होता है, जो इस बात से परिचित नहीं है, जिनको ये ज्ञान नहीं है, तो वो मुझे प्राप्त भी होते हैं, उनका जन्म मृत्यु भी होता रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत वो होता है जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष को, अर्थात पूरे ब्रह्मांडों की जानकारी देव है, उस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के विभागों को, तना क्या है, डार क्या है, शाखा क्या है, पत्ते क्या है, कौन भगवान है, यानी उनके विभाग करे, विधिवत बताता है, वह तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके द्वारा बताए गए ज्ञान के आधार से सत भक्ति करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी वो गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य है, उसके लिए 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि अर्जुन ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। ब्रह्मण माने सचिदानंद घन ब्रह्म, यानी उस पूर्ण परमात्मा का जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है, उस परमात्मा, उस परम अक्षर ब्रह्म, उस सचिदानंद घन ब्रह्म कहो चाहे उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, उस सचिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म के पाने का केवल एक ओम तत् सत ये 3 मंत्र का जाप है, इसी के जपने का निर्देश है, नथिंग एल्स। और वो इसकी 3 विधि है, 3 प्रकार से सिमरण होता है, वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा इस 3 मंत्र के जाप को। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि जो व्यक्ति, जो साधक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान पर आश्रित हो जाता है, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो फिर उस तत्वब्रह्म से और सारे ज्ञातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, फिर वो व्यक्ति जरा और मरण से छुटकारा पाने का ही यत्न करता है, फिर ये इस संसार की कुछ भी वस्तु डिमांड नहीं करता, वो फिर जरा और मरण, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था, यानी सबसे खतरनाक दुख है इस प्राणी पे, और फिर मृत्यु। आज हम अपने बाल बच्चों में किस प्रकार सेट हैं, और 1 सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जाए, बच्चे मर जाए, हमारी ये मृत्यु हो जाए, 1 सेकंड का भरोसा नहीं। तो ये मौत, बच्चे मर गए तो टक्कर मारनी पड़ेगी हमने, हम मर गए तो हमारे बच्चे रोएंगे टक्कर मार मार के, कहते हैं वो फिर ये मृत्यु कितनी बुरी वस्तु है। और सतलोक सचखंड में अभी आपने सुना, वहां जाने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में, और वहां ऐसी ही सृष्टि है सतलोक के अंदर, जो सतलोक के अंदर कुछ नहीं बताते, वो झूठा ज्ञान, कूड़ा ज्ञान प्रचार करते हैं, वहां ऐसी ही सृष्टि है, ऐसे ही वहां शरीर है, लेकिन मेटेरियल ऑफ शरीर बॉडी का अंतर है, यहां तो मिट्टी से बने हुए हैं, 5 तत्वों से बने हैं, और वहां एक नूरी तेज तत्व से बना हुआ शरीर है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु,
वो किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके बारे में आपने सातवें अध्याय 29वें श्लोक में कहा है, तो उसके विषय में आठवें अध्याय के तीसरे मंत्र में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29 दिखाते हैं आपको, अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 29। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये, मेरे आश्रित होकर जो जरा और मरण के मोक्ष यानी छुटकारे के लिए ही यतन्ति प्रयत्न करते हैं, वे ते ब्रह्म तत्विदु, वे तत्ब्रह्म, ब्रह्म तत् कहो चाहे तत्ब्रह्म को, उस तत्ब्रह्म को जानते हैं और कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम, अखिल माने सारे कर्म को कर्मों से परिचित हैं और सारे अध्यात्म से वो परिचित हैं, जो उस तत्ब्रह्म से भी परिचित हैं जो केवल जरा और मरण के छुटकारे के लिए ही साधना करते हैं। यहां कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं रखते परमात्मा के सामने, वो समझ चुके हैं। कोट जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खर बया बोरे कौआ हंस बुगारे, कहते वो समझ चुके हैं। यहां देखो यह अनुवाद है सातवें अध्याय के 29वें श्लोक का इन्हीं के द्वारा, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण, जरा मन वृद्ध अवस्था बुढ़ापा छुटने के लिए यत्न करते हैं, वे व्यक्ति तत् माने उच्च, ब्रह्म माने ब्रह्म को तत्ब्रह्म, वे तत्ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। और तीस में क्या, ये तीस अंतिम है सात में जाएगा, जो पुरुष अधिभूतम और अधिदेव, अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मुझ को अंत काल में भी जानते हैं, वे व्यक्ति युक्त चित वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, वो केवल मेरे तक ही सीमित हैं। यहां खत्म हो गए ये सातवां अध्याय, यहां यहां समाप्त हो गया। अब ये आठवां यहां शुरू होता है, अष्टमा अध्याय। इसमें प्रथम मंत्र में ही अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते, हे पुरुषोत्तम तत्ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। इसका उत्तर दिया है इसी आठवें अध्याय के, इस आठवें अध्याय के तीसरे मंत्र में गीता ज्ञानदाता ने बताया है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। इसे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता से कोई और परमात्मा अन्य भगवान है, जिसके जानने से, जिसकी साधना करने से, और उसका ओम तत् सत ये तीन मंत्र है, ओम तो सीधा ही है, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा, ओम तत् सत ये कोई मंत्र नहीं है, ये अनाड़ी और ये डुप्लीकेट संत ओम तत् सत हरि ओम तत् सत इस तरह बना रहे हैं, आपको मूर्ख बना रहे, ये मंत्र नहीं है। अब इसमें आठवें अध्याय के तीसरे मंत्र में आपको स्पष्ट हुआ कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है और ये परम अक्षर ब्रह्म अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी है और वहां उसके सतलोक सचखंड शाश्वत स्थान में सनातन परम धाम में जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती है, जरा मरण समाप्त हो जाता है, वहां सदा युवा रहते हैं, सतलोक के अंदर वृद्ध अवस्था नहीं आती, सदा युवा रहते हैं और मृत्यु कभी नहीं होती, जरा और मरण वहां जाकर मिटता है।
अब यहां दो भगवान चलते हैं, दो प्रभु, दो स्वामी। ब्रह्म तो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, स्वामी है, भगवान है, प्रभु है, और ये परम अक्षर ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांड का, असंख्य बिना गिनती के, यानी ओवरऑल कंट्रोलर है। अब ये ब्रह्म कहता है मेरा ओम नाम है, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, मेरी भक्ति करोगे तो मेरे पास रहोगा, और उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की साधना करोगे तो उसके पास चले जाओगे, वहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होती। गीता के अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 5 से लेकर 10 तक कति निर्णायक ज्ञान है। 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, तो युद्ध भी कर, मेरे पास रहेगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा, मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्मलोक को मिल जाएगा, मेरे ओम नाम से मिलने वाली जो गति है वो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मेरे और तेरे जन्म मृत्यु सदा बने रहेंगे, पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। गीता की अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 तीन श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त हो जाता है। ये देखिए गीता के अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर, आपको आपने 3 देख लिया, 3 तो भी देख लिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म। अब यहां आ जाते हैं इसी पृष्ठ पे, ये 5वां श्लोक है, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, यानी ओम नाम का जाप करता हुआ जो स्मरण करके जाता है, तो वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है। यहां मेरे साक्षात स्वरूप को नहीं, ये अनुवाद गलत किया है, मद भावम याति, वो मेरे में भावित रहता है, मेरे पर उसकी श्रद्धा बनी रहती है, तो इसमें कोई संशय नहीं। आगे देखना, अब छठे में इसका, इस छठे में भाव का क्लियर होगी। हे कुंती पुत्र, अंतकाल में, यानी यहां निर्णय दिया है कि अंतकाल में जो जिस भी इष्ट की पूजा करता हुआ जाता है उसी के भाव में भावित रहता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को श्रमण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, यानी उसी उस भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा तद भाव भावती भावित, वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। यहां यही है कि जैसे जो मेरा श्रमण करता है वो मुझ में भावित रहता है, मुझ में, यहां इसने मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, गलत किया है। 5वें में कि जो पुरुष अंतकाल में मुझको श्रमण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे, यहां मेरे साक्षात रूप को नहीं, वो मेरे भाव में भावित रहता है, मेरे में ही उसकी श्रद्धा बनी रहती, इतना लिखना है, तो स्वरूप को नहीं, इसमें संशय नहीं है। अब छठे में इस भाव को क्लियर कर दिया है कि जो एक नियम है कि जो भी अंत समय में, यानी जो सारा जीवन जिसकी भावना भावित रहेगा, अंत में भी उसी में भाव रहेगा। एक कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है, क्योंकि उसमें उसकी श्रद्धा रहती है, यानी ब्रह्म की साधना करता है तो ब्रह्म को प्राप्त होता है, और परम अक्षर ब्रह्म की करता है तो उसको, जो उसकी साधना करता है उसमें भावित रहता है। अब 5वें में कहा है मेरी श्रद्धा करता है मुझमें भावित रहता है, और 7वें में कहा है कि इसलिए सब समय में निरंतर मेरा श्रवण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। आगे देखना है, ये यहां तक इसकी चैप्टर खत्म होगा, ब्रह्म गीता ज्ञानदाता का, ब्रह्म का। और 8वें में कहा है ये, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतन।
क्या बताता है गीता ज्ञानदाता कि हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के उस परम अक्षर ब्रह्म के ध्यान के ध्यान नहीं अभ्यास योग युक्तेन, हम संस्कृत भी पढ़ेंगे तभी निर्णय होगा, अभ्यास योग युक्तेन यानी जो सतगुरु ने सच्चे गुरु ने जो मंत्र अभ्यास का दिया है नाम का उसका अभ्यास करते हुए दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से यानी किसी ओर में आस्था न रखे निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम दिव्यम पुरुषम, पुरुष माने परमेश्वर भगवान प्रभु, और परम दिव्य उस अद्भुत दिव्य माने अनोखा अद्भुत यानी परम अक्षर ब्रह्म, यहां समझो इस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि वह परम पुरुषम वह परम दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। वो परम दिव्यम पुरुष परम अक्षर पुरुष ये परम ये समझ लो वो परम अक्षर ब्रह्म, पुरुष माने ब्रह्म कहो परमात्मा कहो कुछ भी कहो, पुरुष माने परमात्मा। और मनुष्य को पुरुष इसलिए कहते हैं कि परमात्मा मनुष्य जैसा ही है, इसलिए मनुष्य को अपना स्वरूप उसने दिया है तो वो मनुष्य को भी पुरुष कहने लगे। परमम दिव्यम पुरुषम याति, वह परम अक्षर ब्रह्म कहो परम दिव्यम पुरुष कहो या परम दिव्य परमेश्वर कहो को प्राप्त होता है। अब नौवें में यहां लिखा कव्यम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणिशासम अनुसमरेत ये सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम, आदित्य वर्ण माने सूर्य की जैसे सूर्य की तरह साकार सम तेजो में तमस्य प्रस्ताक इस अज्ञान रूपी अंधकार से बिल्कुल परे जो कोई नहीं जानता उसको परमात्मा ही आकर बताते अपने दिव्य बारे। जो पुरुष अब यहां इसको ज्यादा डिफाइन ना करे तो यह ठीक रहेगा क्योंकि यहां कव्यम शब्द का अर्थ कुछ और बनेगा, फिर भी हम आपको प्राथमिक ज्ञान में इसको यही ऐसे ही लेंगे तब आपके समझ में आएगी। जो पुरुष सर्वज्ञ, वैसे कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता, इसका अर्थ सर्वज्ञ हो ही नहीं सकता, यहां पर सीधा अर्थ बनता है वो कबीर देव। जो कबीर देव है वो अनादि है, सबका निंता है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, सबके धारण पोषण करने वाला है और अचिंत स्वरूप है, और सूर्य के सदृश नित चेतन स्वरूप है यानी सूर्य की तरह साकार तेजों में शरीर युक्त है, अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का श्रवण करता है। देखो जो व्यक्ति उस अनादि पुरुष परमात्मा जो सबका धारण पोषण करने वाला है अचिंत रूप है सूर्य की सदृश साकार चेतन है सूर्य सदृश है तेजो में शरीर युक्त है अविद्या से अति परे है सच्चिदानंद उस परमात्मा का श्रवण करता है। अब दसवें में आठ नौ दस उसी परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये दसवां श्लोक। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल से यानी भक्ति योग बल माने साधना की शक्ति से भक्ति की शक्ति से मंत्र के बल से बैरकुटी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, क्योंकि सांस का सिमरण होता है और सांस के सिमरण से जीव ऊपर चलेगा, और फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्यम परम पुरुषम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, यह परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अपने आत्माओं जो दास आपको इस सत्संग आज का समझाना चाह रहा है अभी तक इसकी भूमिका बन रही है, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी, कबीर चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। ओहो अब एक
बहुत ही अजीब और गरीब उदाहरण है जो आसानी से हमारे हृदय में समा जाएगा। पहले भी कई बार आप जी को दिखाया है, लेकिन पुण्यात्माओं ये तो विद्यालय है, ये वो विद्यालय है जो आपको परमात्मा प्राप्ति कराओगा, ये वो कॉलेज है, ये वो यूनिवर्सिटी है जो आपको परमात्मा प्राप्ति कराओगा। और जब तक विद्यार्थी कॉलेज विद्यालय में जाता है तो उसने अपना चैप्टर अपना सब्जेक्ट रह रहकर उसका रिमाइंड करना पड़ता है और तभी वो सफल होता है। तो जब तक आप यहां हो इस पृथ्वी लोक पर, तब तक अंतिम श्वास तक आप जी को सिमरण भी करना है, स्मरण करना है, जो मंत्र आपको दिया जाता है, और साथ में ये स्वाध्याय और ये ज्ञान ये भी आपने श्रवण करते रहना होगा। ये एक नियम है, इसको बार बार करना पड़ेगा। जैसे हम रोटी रोज खाते हैं, अंतिम सांस तक ही रोटी खानी पड़ेगी जब तक शरीर छूटेगा। और जिस दिन रोटी अच्छी नहीं लगती है, सुबह खाई है और शाम को अच्छी नहीं लग रही है, तो समझ लो आप फिर कोई शरीर में आप जी के कोई गड़बड़ होगी, तो उसका ट्रीटमेंट है कि ना चाहते हुए भी गोलियां खानी पड़ा करें। ठीक इसी प्रकार सत्संग जो आप जी प्रतिदिन सुनते हो, प्रतिबार सुनते हो, आते हो, और तकरीबन वही सत्संग होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है। जैसे गेहूं की रोटी वही होती है, सुबह भी शाम भी सब्जी का फेरबदल थोड़ा बहुत हो सकता है। और सही भूख जिसको लगी है, सब शरीर है, सब्जी हो ना हो रोटी मिल जाए, लुखी सुखी भी खा जाए मिर्च के साथ में। तो ऐसे जब तक आपकी भक्ति सही चल रही है, आपके ऊपर कोई पापक्रम का दबाव नहीं बना है या आपका नाम खंड नहीं है, तो आपको ये वचन ऐसे नहीं लगेंगे कि ये तो पहले भी सुना था। और ऐसा आता है तो फिर कोई ना कोई गड़बड़ आपकी आत्मा में हो चुकी है, तो उसको सेट यही, उसका अर्थ यही है, उसका ट्रीटमेंट यही है कि ना चाहते भी सुने। जैसे बुखार हो जाता, किसी को जबर हो गया और जबर होने से भूख ना लगती, भूख तो लगती है कोई ना, रोटी तो अच्छी कड़वी लगन लगी, लेकिन कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी, ना चाहते भी खानी पड़ेगी कुनीन की, मलेरिया के कारण यदि ऐसा हुआ तो कुनीन खाने से ही वो सेट होगा। फिर वो रोटियां जो पहले कड़वी लगती थी जबर के कारण, फिर अति स्वादिष्ट लगेगी। तो इसी प्रकार आप जिन ये सत्संग जितनी बार भी सुनो आनंद आना चाहिए, क्योंकि भगवान की चर्चा इस पृथ्वी पर ढूंढ ही नहीं पावे। कहीं और सत्संग सुनते हो तो सत्संग नहीं है, बेसिक चर्चा मालिक का नाम तो उसे लेते हैं, लेकिन वहां सारा अज्ञान प्रवेश किया जाता है। तो यह और न्यारी खुशी, तो अंतिम श्वास तक जैसे शरीर को अन्न की आवश्यकता होती है, रोटियों की आवश्यकता है, आहार की आवश्यकता है, ऐसे ही आत्मा को अंतिम श्वास तक सत्संग की भी आवश्यकता और सिमरण की आवश्यकता है। तो हम अभी आप जो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जैसे ऋषि महर्षि जी साधनाएं करते थे और ऐसी कठिन साधनाएं उन्होंने की, ऐसे प्रयत्न किए, इतनी जबरदस्त तरीके से किया, ओम नाम का जाप भी करते थे, पहले मंत्र ही एक होता था। यह तो कलयुग में बात बिगाड़ दी नकलियों ने, पहले एक ही मंत्र होता था ओम नाम, वेदों अनुसार साधना करते थे ये लोग, क्योंकि इन्होंने वेदों को स्वयं ही जाना, संत नहीं मिला इनको, तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिस कारण से इन्होंने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखे हुए ओम के मंत्र को पूर्ण परमात्मा का जान लिया। उसमें लिखा कि ओम कर्तु समर किल्वे समर कर्तुम समर, अंतिम श्वास तक भस्मांतम शरीरम, शरीर छूटने तक
इस ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण कर, अपना दैनिक क्रिया करते हुए जिसका भी जैसा व्यवसाय है उसमें ही, यानी घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं किसी जंगल में, काम करते करते श्रवण कर विशेष कसक के साथ हृदय में गुदगुदी सी उठे भगवान के भजन के लिए, एक उमंग सी उठे कसक के साथ, और मनुष्य जीवन का मुख्य कर्तव्य जानकर इसको प्राथमिकता दे। एक नंबर पर डावस भक्ति वाले काम में, अब हमने रोजगार वाला काम तो एक नंबर पर कर रखे, आठ आठ घंटे नौ नौ घंटे काम करते हैं, और परमात्मा वाला हमने गिर रखे, आप टाइम लग गया तो कभी मंदिर में चले जाया करते, मंगलवार ने प्रसाद बांट दिया है, कोई व्रत रख लेते, ओम जय जगदीश हरि आरती आदा जयती दवा गुणगुणा लेते, तो हम ऐसा काम चलाओ सा इसको समझ रहे थे, रिजेक्टेड था नहीं, अब इसको एक नंबर पर लाना अपन, फिर संसारी काम भी ठीक होंगे। तो ऐसे उन लोगों ने जिन्होंने स्वयं ही वेदों को जाना और समझा, सतगुरु मिले नहीं, उन्होंने ओम नाम के जाप को अंतिम मान लिया, और जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर विराजमान थे, सर्वप्रथम जब इनको होश में लाया गया इस काल भगवान ब्रह्म के द्वारा, तो ये कमल के फूल पर बैठा था, जब आकाशवाणी की इस ज्योति निरंजन ने अर्थात इस ब्रह्म ने सर्वपुरुष ने कहा कि तप करो तप करो, ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, तो बाद में वेद मिले इनको, ब्रह्मा विष्णु महेश को, जब इन्होंने सागर मंथन किया, तो वेदों में तो ओम नाम और आकाशवाणी मान ली परमात्मा की, ब्रह्मा जी ने कि परमात्मा ने आकाशवाणी की थी तप करो, तो उधर से तो आकाशवाणी सूत्र ले लिया तप, वो आकाशवाणी तो थी काल की ब्रह्म की, और वेदों का ज्ञान दिया परम अक्षर ब्रह्म ने, इस ब्रह्म के अंतकरण में इसके कंप्यूटर में फीड कर दिया, इसके मोबाइल में फीड कर दिया, फैक्स कर दिया, और वो ही बाहर इसने निकाल दिया एज इट इज, और उधर से इसने अपने अटकल के और अलग प्रकार के कई उपनिषद आदि गढ़वा दिए, और आकाशवाणी इसने अपना ज्ञान ठोक दिया। तो इन ब्रह्मा जी के बाद ही सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी से ज्ञान ग्रहण किया। तो ओम नाम तो वेदों से, और आकाशवाणी वाली वो तप, इन दोनों का खिचड़ी बना ली इन्होंने। तप भी हठ योग भी करने लग गए, जबकि वेदों और गीता जी में हठ योग को मना किया है, ओनली मंत्र जाप करना, नाम जाप करना, काम करते करते। जैसे आपने अभी आठवें अध्याय के पांचवें श्लोक में, आठवें अध्याय के सातवें श्लोक में पढ़ा, ये ब्रह्म कहता है कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण कर ओम नाम का। युद्ध से कठिन कोई काम नहीं होता, और उसमें भी भगवान को याद रखना बताया। तो काम करते करते हठ योग नहीं किसी उसमें लिखा है शास्त्र में, तो हठ योग इस काल ने अलग से ठोक दिया। तो इन ऋषि महर्षियों ने हठ योग साथ में किया, ओम नाम का जाप किया, जिस कारण से ये काल के जाल में ही फंसे रहे, जन्म और मृत्यु के चक्कर में ये फंसे रहे, ये पार नहीं हो सके, इनकी दुर्गति जो की तो बनी रही। इसके लिए एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक महावीर जैन हुए हैं जैन धर्म के अंदर, उनकी जीवनी से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है जो दास और परमात्मा कबीर जी आपको समझाना चाहते हैं। ऋषभ देव जी ये बहुत नेक राजा थे, सतयुग के अंदर बहुत ही अच्छे राजा थे, परमात्मा को चाहने वाले थे, और वेदों में कबीर देव की महिमा बहुत लिखी है। तो जो ऋषि लोग थे, जो ऋषभ देव जी के गुरु ब्राह्मण थे, उनसे ये प्रश्न किया करते थे ऋषभ देव जी कि वेदों में आप बताते हो कि कवि नाम का कोई प्रभु है, कबीर कबीर देव है, तो अनुवादकर्ता कर देते थे वो कवि है, कवि है, तो उसका नाम चलो कवि है, क्योंकि वो परमात्मा अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों शब्दावलियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार प्रत्येक बार करने आता है, इसलिए उसको कवि कहते हैं। हम उसको कबीर देव, वेदों में लिखा कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, वो कवि ही मान लेते हैं। तो वहां लिखा है परमेश्वर की वाणी में, गरीबदास जी ने कहा है
कि रस्सब देव के आईया कवि नामे करतार है, उस कवि नाम तय आगे है। वैसे तो कबीर देव का अर्थ कवि साहब, अगर हम वैसे उस व्याकरण अनुसार करें तो कवि साहब, कवि साहब माने वो जो परमात्मा, उसका नाम ही कवि साहब है। कवि हम उसको कबीर साहब कहने लगे, कबीर सिर्फ उसमें अंतर है, जैसे भाषाओं में अंतर होता है। तो इस प्रकार वो कबीर परमात्मा, तो रस्यव देव जी के वही परम अक्षर ब्रह्म उस प्यारी आत्मा को समझाने के लिए कवि नाम से आए कवि, और कहने लगे मैं वो परमात्मा हूं जो वेदों में वर्णित है कवि, क्योंकि वो अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने रस्यव देव जी को भ्रमित करके, अनुवाद गलत करके उसको कवि सिद्ध करा था। वैसे वो कबीर देव है, उसको कबीर देव ही बोलना थी हमने, कबीर देव। जैसे यजुर यजु है, यजु कहने से क्या लाभ, यजुर्वेद साथ बोलना दुच्चा बात है।